Good morning, students. Today we'll start with the topic of government budget. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बजट रिसिप्ट्स के रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, ठीक है. उस रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो हमारे टैक्स रिसिप्ट्स, हमने वहाँ पे अपना जो था रिवाइज कर लिया था. नाउ वील मूव ऑन टू व्हाट आर द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, these are those receipts which arise from sources other than taxes. ऐसे बहुत से sources होते हैं जो government जो है वो एक obligation जो tax लगाती है वो ना लगाए, फिर भी कुछ sources हैं जहाँ से receipts जो हैं वो generate होती हैं. Now let's go through it in detail. First is your fees. What sort of fees? A payment to the government which arise from sources other than taxes. Example, court fees. It is a payment for administrative and judicial services. अब जैसे हम लोग लैंड रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमें फिर कोर्ट की फीस देनी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी में जितने हम फीस पे करते हैं, दीज आर Not a payment to the government, जिनकी वजह से हमें वहाँ पर कोई एक टैक्स देना है, वो obligation नहीं है. Obviously, it is a payment, but ये जो है इसलिए हम करते हैं because we want the administrative and judiciary services. जैसे registration आपको कराना है लैंड का, आपकी व्हीकल का, ये सब जो है, दीज आर ऑल द फीस जो कि आपके नॉन टैक्स रिसीप्ट्स के अंडर कवर होते हैं. नेक्स्ट इज योर फंड्स. दोज पेमेंट्स मेड बाय लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है, अब जो हम लोग के चालान कटते हैं, जो फाइन्स हम लोग के ट्रैफिक रूल्स का हमने कुछ वहाँ पे कर दिया तो कट गया, देन वी लाइक कुछ यू कुड से पनिशेबल ऑफेंस हमने कंडक्ट कर दिया जिसकी वजह से कई बार फाइन इम्पोज होते हैं, तो ये सो जो फाइन्स होते हैं, दीज आर बीइंग इम्पोज्ड फॉर द लॉ ब्रेकर्स बाय द गवर्नमेंट. इसका एम ये नहीं होता कि हमें वहाँ पर रेवेन्यू जो है उसको जनरेट करना है, बल्कि हियर द गवर्नमेंट एम्स टू मेक द सिटीजन ऑफ द कंट्री रिस्पेक्टफुल फॉर द लॉ. यहाँ जो गवर्नमेंट है वो ये फाइन्स इसलिए यहाँ पर इम्पोज करते हैं सो दैट जो सिटीजन्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की इम्पोर्टेंस को समझें, और जो इस लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करें उनके ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया जाए. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एस्टेट, विच इज व्हेन अ प्रॉपर्टी इज लेफ्ट विदाउट अ क्लेमेंट. कई बार क्या होता है, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि कोई बहुत एक रिच पर्सन था या कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन, एंड ही डाइड, समझ लो ही और शी डाइड, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी और उनका कोई क्लेम करने के लिए नहीं है, मतलब कोई वारिस नहीं है जिसपे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए. आज केस क्या होता है कि इफ़ अ पेरेंट हैज़ नॉट मेड अ विल, किसी एक कोई एक ओल्ड है, उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई, बट ही डाइड, सडनली डेथ हो जाती है, तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो उनकी फैमिली में उनके सन्स एंड डॉटर्स को मिल जाती है. लेकिन जब फैमिली में कोई नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए कोई रिलेटिव भी नहीं है, उस केस में वो जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी जो सरकारी संपत्ति, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है. एंड दीज एस्टेट्स आर अ प्रॉपर्टी जो कि क्लेमेंट के बगैर होती हैं, उन्हें गवर्नमेंट अपने अंदर कंसिडर कर लेते हैं. सो इट इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रिसीट. नेक्स्ट इज योर स्पेशल असेसमेंट. पेमेंट मेड बाई द ओनर्स वेन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपका जो घर है वो थोड़े रूरल एरिया में था, वहाँ पे
तुरंत हाईवे बना दी गई, वहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉलोनी बना दी गई, ब्रिजेस बना दिए गए, फाउंटेंस बना दिए गए, तो उस केस में जो आसपास की लोकेलिटी होती है ना, उनसे एक अमाउंट ऑफ जो फंड है वो कलेक्ट किया जाता है, विच इज़ अ स्पेशल असेसमेंट. क्यों? क्योंकि पहले आप एक खाली से, एक बहुत ख़राब सी जगह पे थे, उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं होती है. अब अगर आप ही के घर के सामने एक मॉल ओपन कर दिया जाए, ऑब्वियस सी बात है आपके घर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी. जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट हो जाए, आपका जो घर है उसके सामने से जो रोड है वो हाईवे से अगर लिंक कर दी जाए, तो क्या होगा उस केस में? आपका तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का असेसमेंट हो जाएगा. क्यों? जो हमारे हाईवेज होते हैं या जो सिटीज़ के अंदर के एरियाज़ होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं. इसी वजह से, क्योंकि वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से, सराउंडिंग्स की वजह से किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है. अभी आप उतना ही प्लॉट जाके एकदम लखनऊ के बाहर लीजिए, आपको आधे रेट पे मिलेगा. उतना ही प्लॉट आप लखनऊ में लेने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है. क्यों? आसपास के सराउंडिंग की वजह से. तो जो ये डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं, इसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी में एडिशन आ जाता है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है प्रॉपर्टी के टर्म्स में, और उस केस में ये जो होते हैं स्पेशल असेसमेंट रिसीप्ट्स कलेक्ट होते हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विच इज़ नॉट ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू. उसकी जब सेल करते हैं तो वो भी एक नॉन टैक्स रिसीट बन जाता है. एंड नेक्स्ट इज योर ग्रांट्स और डोनेशन. कैलामिटीज़ के टाइम पे, नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे जो डोनेशंस जनरेट होते हैं, दीज आर आल्सो नॉन टैक्स रिसीट्स. ओके, नाउ वील मूव ऑन टू रेवेन्यू रिसीप्ट. हमने पूरा कंप्लीट कर लिया टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. नाउ वील मूव ऑन टू कैपिटल रिसीट्स. What are capital receipts? These are those receipts which have characteristics like create liability to the government. ठीक है, capital receipt में क्या होता है कि government के लिए liability create कर देते हैं, and then receipt that causes reduction in asset of the government. Example, money received by government by selling its shares. ठीक है, capital receipt दो तरीके के होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए. पहला, जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट कर दे, और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनमें रिडक्शन ले आए. अगर ये दो केस कहीं पे सस्टेन कर रहे हैं, समझ लीजिए वो कैपिटल रिसिप्ट है. इसको हम पढ़ते हैं. ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इसका अगर हम देखें तो है रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, एंड थर्ड इज योर अदर रिसिप्ट. रिकवरी ऑफ लोन्स कैसे होते हैं? Central government grants loan to state government. When these are recovered, assets are reduced. मान लीजिए central government ने state government को loan provide किया. अब जब इस केस में आपका जो state government है वो जब ये अपना loan repay करेगा तो उसके asset में reduction आएगा. ऑब्वियसली आप जब पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं लोन का, तो आपके एसेट तो कम ही हो जाते हैं ना. आप कैश में या किसी भी फॉर्म में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, आपका रिडक्शन आ गया एसेट में. सो दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट. अब अगर हम बात करें बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ की, सो लेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स वाइल बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी. इसका मतलब है अगर हम किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं. अगर हम बोरो कर रहे हैं तो हम जो है अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट इज योर अदर रिसीट्स. इसको हम कह सकते हैं डिस इन्वेस्टमेंट. व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शेयर्स टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस. इस केस में क्या होता है, हम अपने एसेट्स का रिडक्शन कर रहे हैं. राइट, यहाँ पे हमने रिडक्शन कर लिया. सो ये जो तीनों हैं ये आपके कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट. यहाँ पे एसेट का रिडक्शन हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, और ये दोनों जो फीचर्स हैं इन तीनों में जो दिख रहे हैं, दीज आर फीचर्स ऑफ योर कैपिटल रिसिप्ट.
नेक्स्ट हम आते हैं बजट एक्सपेंडिचर पे. व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर. एक्सपेंडिचर क्या होता है? जितना भी एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को फॉर एन अकाउंटिंग ईयर और फॉर अ फिस्कल ईयर इज कॉल्ड योर बजट एक्सपेंडिचर. अब जब हम बजट एक्सपेंडिचर में आते हैं तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. अभी तक हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, जो बजट रिसिप्ट हमने पढ़े थे, बजट रिसिप्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. अब जब हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो यहाँ भी हम रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ेंगे लेकिन एक्सपेंडिचर के टर्म्स में. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व्ड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फर्स्ट, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो हमें करना होता है लेकिन गवर्नमेंट के लिए यहाँ से कोई भी यू कुड से एसेट नहीं क्रिएट होता है. जैसे ओल्ड एज पेंशंस, सैलरीज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होती है, ये क्या है? ये सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से कोई भी लायबिलिटी में कमी नहीं आती है. यहाँ पर क्या होता है, पहला ना तो ये कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना तो ये कोई लायबिलिटी कम कर रहे हैं. इट इज एक्सपेंडिचर बाई वे ऑफ ग्रांट्स, जो ग्रांट्स के वे में एक्सपेंडिचर किए जाते हैं. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इंडियन गवर्नमेंट बजट क्या क्या होते हैं? वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेजेस. ये सारे क्या हो रहे हैं? पहली बात, गवर्नमेंट का तो ये एसेट बना नहीं रहे हैं और दूसरी बात, इन पे एक्सपेंडिचर करने के बाद हमारी कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही है. ठीक, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. एकदम उल्टा है रेवेन्यू से. कैसे? कि शेयर्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, इससे क्या हुआ? जब गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल में एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके पास क्या हो रहा है? पहले तो एसेट बन रहा है उनके पास, जैसे कि अगर उन्होंने शेयर परचेज कर लिए गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये कैसे? जब हम रीपेमेंट ऑफ लोन कर देंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा था कि हमने लोन ले लिया था, अब हम उसे रीपे कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमारी लायबिलिटी को कम कर देगा. कैपिटल के टर्म्स में जब हमने एक एक्सपेंडिचर कम किया तो वो हो गया हमारा यहाँ पर लायबिलिटी रिडक्शन. आई होप आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. जब रेवेन्यू पर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो वहाँ पर कोई भी एसेट नहीं क्रिएट होता है ना कोई लायबिलिटी कम होती है, लेकिन जब कैपिटल पे एक्सपेंडिचर होता है तो वहाँ पर हमारे एसेट भी बनते हैं और हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाती है. अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सो हियर इट कम्स इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशंस. ये सब क्या हैं? एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटल पे किए गए हैं. जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन एक्सपेंडिचर किया लेकिन हमारे एसेट्स भी तो बढ़ गए. प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, हमने ये सब खरीद लिए,
तो इससे भी हमारे एसेट्स बढ़ गए, खर्चे तो हो ही रहे हैं, एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट बढ़ रहे हैं। देन इज योर लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशंस, तो इससे क्या होगा, लोन हमने आज दिया है तो कल इंटरेस्ट के साथ हम वापस उसे रिकवर करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा एसेट और बढ़ा देगा, परचेजेस ऑफ शेयर्स। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा आपके बजट एक्सपेंडिचर का।